हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप सब आई होप यू आर ऑल वेल सो बायोटेक्नोलॉजी हम आज करेंगे ओके सो इकोलॉजी हमने कंप्लीट की है अब बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हम करेंगे आज दिन में और बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पर दो चैप्टर्स हैं ओके okay? एक तो बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा एप्लीकेशनज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सो so, ये भी हम आज कम्प्लीट करेंगे सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो इन जल एलेक्ट्रोफोरिसज सपरेट डी एन ए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख सकते हो एस्टोकारमाइन इन यूवी रेडिएशन ऑप्शन बी इथीडियम ब्रोमाइड इन इन्फ्रारेड रेडिएशन ऑप्शन सी एस्टोकारमाइन इन ब्राइट ब्लू लाइट ऑप्शन डी इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी डेट इज़ इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, सो जो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं जो सपरेटेड डी एन फ्रैगमेंट्स होते हैं ओके okay, इनको हम यहाँ पर देखते हैं विथ द हेल्प ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड इन यू रेडिएशन सो so, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सो so, जब हम आपको पता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ओके okay, जब हम डीएनए को कट करते हैं किस से रेस्ट्रिक्शन एंडो से सो ये एंजाइम्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस सो ये भी याद रखना कि डीएनए को हम कट करते हैं बाई रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्सिस तो यहाँ पर जब हम कट करते हैं तो डी है, okay, के यहाँ पर फ्रेगमेंट्स होते हैं ओके so, डी के फ्रैगमेंट्स होते हैं सो जो ये फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम सेपरेट करते हैं बाई एक टेक्निक से इनको हम सेपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं जल एलेक्ट्रोफोरिसज उस टेक्निक को ओके जल एलेक्ट्रोफोरिसज सो जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम देखते हैं ओके जब हम इनको स्टेन करते हैं ओके विथ अ कंपाउंड नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड सो किससे स्टेन करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड से तभी हम इनको देख पाते हैं ओके फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी वी रेडिएशन तो इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं और फिर यहाँ पर इनको एक्सपोज करते हैं टू यू वी रेडिएशनज़ सो so, यहाँ पर फिर हम इनको देख पाते हैं एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ओके सो ये इस साल नीट में आया था ओके एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड ये इस साल नीट में आया था ओके okay? और जो क्वेश्चन था कि हम यहाँ पर किससे इसको स्टेन करते हैं और फिर फॉलोड बाई यू वी रेडिएशन वो पिछले साल यानी 2020 में आया था और ये इस साल देखो कितना इंपॉर्टेंट है डीएनए इन ए इन ब्रोमाइड स्टेन जल एक्सपोज टू यूवी लाइट सो यहाँ पर डीएनए को हमने फ्रेगमेंट किया भाई रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फिर फ्रेगमेंट्स को हमने यहाँ पर सेपरेट किया है जल एलेक्ट्रोफोरिस की मदद से और इनको फिर स्टेन किया इथीडियम ब्रोमाइड से ओके सो so ये पिछले साल आया था कि सटेन हम करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड से ये नीट में पिछले साल आया था ओके फिर हम इनको एक्सपोज करते हैं टू यू लाइट ये पिछले साल आया था और इस साल जो आया था वो ये आया था कि यहां पर हमको हम इनको देख पाते हैं एज ब्राइट ऑरेंज कलर ओके एज ब्राइट ऑरेंज कलर जो कि आप यहां पर देख सकते हो सो so, ये जल इलेक्ट्रोफोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो डीएनए एन प्रेस्पिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख सकते हो आइसोप्रोपेनॉल ऑप्शन बी चिल्ड इथेनल ऑप्शन सी एट रूम टेम्परेचर ऑप्शन डी चिलड क्लोरोफाम सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डेट इज़ चिलड ओके सो डीएनए एन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बोमालिक्यूल्स कैन बी अचीव बाय ट्रीटमेंट विथ चिल्ड इथेनॉ सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली यूज एज ए वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डी एन ए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स सो यहाँ पर आपको बोलना है कि इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शनज हैं ओके इनमें से हम कौन सा वैक्टर यूज करते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग डी एन ए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स जो ह्यूमन लिम्फोसाइट्स होते हैं ओके okay, जब हमको उनमें क्या यहाँ पर भेजना है डी एन ए फ्रैगमेंट ओके विद द हेल्प ऑफ वैक्टर किस वैक्टर की मदद से वाइफेज टाइप्लाजम रेट्रोवायरस, पी बी आर so, थ्री ट्वेंटी टू सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी डेट इज़ रेट्रोवायरस यहाँ पर वैक्टर हैं जिसकी मदद से हम इस डी एन ए फ्रैगमेंट को किस में ट्रांसफ़र करते हैं किस में ट्रांसफ़र करते हैं ह्यूमन लिम्फोसाइटिस में ये याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो ये नीट 2018 में आया है और इस साल भी आया है ओके नीट 2021 में भी आया है और नीट 2018 में भी आया है ये क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डेट इज पी सी आर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बोलने हैं पहले हम यहाँ पर डिनेचुरेशन किसकी करते हैं जो यहाँ पर आपका डी होता है ये आपको पता है कि डबल बॉन्ड सॉरी डबल स्टैंडर्ड डी आपका होता है पहले हम डिनेचुरेशन करते हैं तो उसके बाद डिनेचुरेशन मतलब

द लिंक डी एन ए इन वैक्टर इज टर्मड पैलेंड्रामिक सिक्वेंस रिकॉग्निशन साइट सिलेक्टेबल मार्कर ओ आर आई साइट सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ओ आर आई साइट ओ आर आई साइट आपको पता है कि ओ आर आई साइट ऐसी साइट होती हैं जो कि यहाँ पर कॉपी नंबर कंट्रोल करती हैं ओके कॉपी नंबर कंट्रोल करती हैं जब रेप्लीकेशन होती हैं जो यहाँ पर डीएनए लिंक होता है किसके साथ वेक्टर के साथ जो डीएनए लिंक होता है किसके साथ वेक्टर के साथ ये मेरा डीएनए फ्रेगमेंट है जो कि इस वेक्टर से के साथ लिंक होता है क्योंकि ये फिर हमको किसी ऑर्गेनिज्म में ओके okay, ट्रांसफ़र करना होता है ओके okay? ये मेरे पास डिजायोर डी एन है और ये वैक्टर है ओके सो ये वैक्टर के साथ जुड़ा है और हमको ये किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना है सो so यहाँ पर जब ये उस ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो वहां पर इस डीएनए फ्रैगमेंट फ्रेगमेंट की क्या होगी रेप्लीकेशन ओके रेप्लीकेशन सो यहां पर कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करता है जो कि ये लिंक डीएनए होता है वेक्टर के साथ कौन ओ आर आई साइट इस डीएनए में होती है जो कि कॉपी नंबर कंट्रोल यहां पर करता है सो ये याद रखना ओके ओ आर आई साइट नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो ये भी नीट 2020 में आया है ओके इसलिए पहले जो भी आया था वो भी नीट में आया था ओके सो इस साल भी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आए थे ओके बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इस साल भी नीट में आए थे ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है नीट के लिए इस साल भी यहाँ पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आए थे बायोटेक्नोलॉजी से और सेल बायोलॉजी से भी इस साल बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आए थे चूज द करेक्ट फेयर फ्राम द फॉलोइंग यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट इन चार में से ढूंढना है न्यूक्लियस सपरेट द टू स्ट्रेंट्स ऑफ डी

इनकोरेक्ट स्टेटमेंट देखना है ओके यानी फॉल्स स्टेटमेंट इन में से देखना है स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर हम बात करें फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन इज लिंक टूगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स यस ये करेक्ट है जो फंक्शनल इंसुलिन होता है इसमें ए चेन और बी चेन होती हैं ओके ए चेन और बी चेन होती हैं ओके okay? हमको देखना है इज नॉट करेक्ट मीनस हमको यहां पर इनकोरेक्ट स्टेटमेंट देखना है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज़ प्रोड्यूसड इन ईकोलाई यस हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है ओके okay, जो हम डायबिटीज़ पेशेंट्स को देते हैं ये हम ईक्ोलाई e में प्रोड्यूस करते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर आप देख सकते हो इन मेन इंसुलिन इज एज प्रो इंसुलिन यस जो इंसुलिन होता है जो सिंथिसाइज होता है ह्यूमनज में ये एज प्रो इंसुलिन यहाँ पर प्रो इंसुलिन सिंथिसाइज होता है ओके प्रो इंसुलिन सो फिर इसको फंक्शनल बना बनाया जाता है इसमें और एक पैप्टाइड होते हैं पैप्टाइड सी फिर उसको रिमूव किया जाता है सो so, यहाँ पर ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो प्रो इंसुलिन एन एक्स्ट्रा पैप्टाइड कॉल्ड सी पैप्टाइड सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी क्रैक्ट हैं ओके सॉरी इसमें जो इनकोरेक्ट हैं वो है ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए इनकोरेक्ट हैं जो फंक्शनल इंसुलिन होता है उसमें खाली ए एंड बी चेंज होती हैं यस ओके इतना तो ठीक है लेकिन वो डाईसल्फाइड ब्रिजेस के साथ यहाँ पर ज्वाइन होती हैं ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ सो तो ये इसमें इनकोरेक्ट हैं अगर हम ऑप्शन बी की बात करें ये कॉरेक्ट हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन हम प्रोड्यूस करते हैं इकोले में प्रोड्यूस करते हैं यस जो जो हम डायबिटीज़ पेशेंट्स को देते हैं अगर हम यहाँ पर इंसुलिन की बात करें मेन में इस प्रो इंसुलिन यहाँ पर यहाँ पर प्रो इंसुलिन बना सिंथिसाइज होता है क्योंकि प्रो इंसुलिन में यहाँ पर और एक चेन होती है चेन सी ओके पैप्टाइड सी जो कि फिर रिमूव हम करते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रो इंसुलिन में और और एक्स्ट्रा पेप्टाइड होते हैं उसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं ये फिर हम रिमूव करते हैं ओके जो फिर यहाँ पर मेन इंसुलिन है उसमें खाली दो पेप्टाइड्स होते हैं पेप्टाइड ए एंड बी जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ यहाँ पर ज्वाइन होते हैं ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूजफुल इन तो अभी मैंने बोला कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस हैं ये ब्रेक करते हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक साइट्स और ये क्रिएट करते हैं स्टिकी एंड्स ओके सो इसका आ जाएगा बोथ ए एंड बी सो जो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस होते हैं ये डीएनए को ब्रेक करते हैं ओके एट स्पेसिफिक साइट्स और ये क्रिएट करते हैं स्टिकी एंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो मुनस्कस पर प्योरस इज़ यूस्ट यूज कॉमर्शली इन प्रोडक्शन ऑफ सो यहाँ पर जो ये मुनस्कस परप्यूरियस हैं ओके ये एक यीस्ट हैं ओके यीस्ट हैं ओके सो ये हम इसे हम कुछ यहाँ पर कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है इथेनॉल साइट्रिक एसिड सिप्राटोकाइनेस फॉर रिमूविंग क्लॉट्स इन ब्लड वेसल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग लाव, लावर, स्टेटन सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ब्लड कोरिस्टॉल लवरिंगस्टेटनस सो जो ये यीस्ट है मोनस्कस पर ये यहाँ पर स प्रोड्यूस करता है जिससे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लावरिंग एजेंट हैं जिसे ब्लड जो, को जो को, 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 कोलेस्ट्रॉल ब्लड में पाया जाता है वो उसको यहां पर कम करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंडो आर कॉल्ड सो एज दे आपको कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसिस हैं ये डी को ब्रेक करते हैं क्लीव डी एन ओके सो so, ये याद रखना यहाँ पर था ब्रेक डी एन एट रैंडम सो so, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बोला था यहाँ पर रैंडम लिखा गया है तो ये गलत है क्यों क्योंकि ये ब्रेक करता है डी को एट स्पेसिफिक एट स्पेसिफिक साइट्स नॉट एट रैंडम साइट्स एट स्पेसिफिक साइट्स को साइट्स यहाँ पर ये ब्रेक करता है डी एन ए को ओके एट स्पेसिफिक साइट्स नॉट एट रैंडम साइट्स ओके सो so, इसका आ जाएगा ऑप्शन सी क्लियु डी एन ए इंटू फ्रैगमेंट्स एट स्पेसिफिक साइट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो प्लाजमिडस आर वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे ऑप्शन ए सेल्फ रेप्लीकेट इन बैक्टीरियल सेल ऑप्शन बी रेप्लिकेट फ्रीली आउटसाइड बैक्टीरियल सेल ऑप्शन सी कैन बी मल्टीप्लाइड इन कल्चर ऑप्शन डी कैन बी मल्टीप्लाइड इन लेबॉरेटरीज यूरिंग यूजिंग एनजाइम्स सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए बिकॉज दे सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स सो जो प्लाज्माट्स होते हैं ओके okay, प्लाज्डस हम यूज़ करते हैं एज वक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग क्यों क्योंकि ये यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं बैक्टीरियल सेल्स में ओके सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं बैक्टीरियल सेल्स में ओके okay? और ये प्लाज्माट्स इनमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डी एन ए होता है ओके नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो बायोलिस्टिक गन इज़ सूटेबल फॉर बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स ओके फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स कौन सा बायोलिस्टिक गन ओके इट इज़ सुटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो इन बायोटेक्नोलॉजी ओके रूट ट्यूमर्स आर इंड्यूस्ड बाय रइजोबियम एग्रोबैक्टीरियम टूविशियानस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, एग्रोबैक्टीरियम बेसिलस सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डेट इज एग्रोबैक्टीरियम टूविशियानस, टूम फिशियानज नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो वाट इज़ ट्रू फॉर प्लाजमिटस प्लाजमिट आपको पता है कि हम इसको यूज़ करते हैं एज वैक्टर फॉर जीन ट्रांसफर जो डिजायर्ड जीन होता है हमारे पास उसको ट्रांसफर करने के लिए हम इस वेक्टर को यूज़ करते हैं सो वाइडली यूज इन जीन ट्रांसफर ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ बी टी जीनस क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल राउंड वर्म मॉथ बुलवरम फ्लाई सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी डेट इज़ बुलवरम ओके बुलवरम सो जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स किसके होते हैं आपको पता है कि जो जीन होता है ओके okay? सो so, जो जीन होता है जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ओके ट्रांसलेशन करते हैं हम इसे प्रोटीन यहाँ पर बनाते हैं तो ट्रांसलेशन यही प्रोसेस हुई प्रोटीन को बनाने की ओके okay? सो so, जो जीन्स हैं क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए सो जो प्रोटीनस हम इनसे बनाते हैं उससे हम क्या कंट्रोल करते हैं वुल वरम नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो प्लाज्म आर यूज एज वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ दियर सो मैंने बोला कि प्लाज्मिड्स को हम यूज़ करते हैं एज वक्टर्स किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में बिकॉज देयर एबिलिटी टू केरी फॉरिन जीनस क्योंकि इनमें एबिलिटी होती हैं किसी फॉरन जीन को कैरी करने की ओके ये मैंने यहाँ पर फॉरन जीन लगाया इस वेक्टर में इस प्लाज्मिड में सो so इनको ये एबिलिटी होती है कैरी करने के लिए फिर ये हम किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर हम डिज़ायर्ड इसे प्रोटीन यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं डिजायर्ड प्रोटीन या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो बेसलस थुरजेंसिस फॉर्म्स प्रोटीन विच कंटेन इंसेक्ट इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दिस प्रोटीन ऑप्शन है बाइंड विद एफीलियल सेल्स ऑफ मिड गट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट यस यही करेक्ट ऑप्शन है ओके सो जो बेसलस फ्रेंजेंसिस हैं जिसको हम बी टी वी कहते हैं ये एक प्रोटीन बनाता है ओके okay. जो कि इंसेक्टाइडल प्रोटीन होता है इंसेक्ट्स को किल करता है सो so, जो ये प्रोटीन होता है ये बाइंड होता है एफ्थीलियल सेल्स ऑफ मिड गट इंसेक्ट का जो मेड है उसमें जो एप्थीलियल सेल्स हैं उससे बाइंड हो, होता है ओके ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन और इस उस इंसेक्ट को यहाँ पर किल करता है सो so, यहाँ पर एक काम करता है बिकॉज ऑफ अल्कलाइन पीएच ऑफ इट्स गट ओके अल्कलाइन पीएच ऑफ इट इस गट जो इसमें गट हैं ओके गट वाल हैं ओके उस जो उसमें इफ्थीलियल सेल्स हैं वहां पर अल्कलाइन पीएच होता है उसकी वजह से जो ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है ये वर्क करता है बिकॉज ऑफ अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ये भी बहुत टाइम्स आया है ओके नॉट एसिडिक बट अल्कलाइन पी ऑफ गट ओके सो ये याद रखना नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो बी इन पॉपुलर बी टी कॉटन सेलेज ब्रिंजल स्टेंडस फॉर यहाँ पर आपको बी टी की यहाँ पर फुल फॉर्म बोलनी है बी टी मीनज बेसिलस थर जेंसिस नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो इंसाइटिस्ट का नाम याद रखना कोहन एंड बोयर आइसोलेटेड एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए फ्राम हैविंग एंटीबाटिक रजिस्टेंस इन द ईयर इन द ईयर नाइनटीन सेवनटी टू ये भी याद रखना सो so, जो कोहन एंड बायर ये टू साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया ओके okay, ये याद रखना कोहन एंड बायर दो साइंटिस्ट थे इन्होंने यहाँ पर क्या किया नाइनटीन सेवेंटी टू में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एंटीबाटिक रजिस्टेंट जीन यहाँ पर निकाला किस में किस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने निकाला किस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब कि ये जीन वो था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था ओके okay? एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ था इससे एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक का इस पर कुछ असर नहीं हो रहा था ओके okay? इन्होंने आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डी जो मेरे पास ये डी है ये कट करके इन्होंने एक एंटीबायोटिक जीन आइसोलेट किया किस में से फ्रॉम ए प्लाज्ड ओके एक प्लाज्म में जिसकी यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थी सो so, मेरे पास यहाँ पर सपोज एक प्लाज्ल है ओके okay? एक प्लाज्ल है तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस रखता है एंटीबायोटिक का इस पर कोई असर नहीं होता है सो इन नाइनटीन सेवनटी टू कोहन एंड बॉयर ने क्या किया इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसमें से निकाला ओके okay? क्या करके इसका डीएनए कट करके इसने आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन 1972 सेवेंटी टू सो यही यहाँ पर आपको पता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी यही से स्टार्ट होती है इनकी यहाँ पर इस डिस्कवरी से नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ वैक्सीन यस ये करेक्ट हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं ओके okay, इनको यहाँ पर किसके लिए यूज़ हम करते हैं ओके टेस्टिंग सेफ़्टी ऑफ़ वैक्सीन जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं पहले हम यहाँ पर माउस पे करते हैं वो वैक्सीन बहुत सारे ऑर्गनिज़म्स पे करते हैं उनको हम ट्रानाजेनिक एनिमल्स कहते हैं देखते हैं हम उसमें देखते हैं कि उस पर इफ़ेक्ट क्या रहेगा और फिर लास्ट में वो इंसान को दिया जाता है तो पहले वो बहुत सारे ऑर्गेनिज़म लाइक माउस पे हम करते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ओके okay? या मंकी पे करते हैं तो हम देखते हैं कि वैक्सीन यहाँ पर सेफ़ हैं या नहीं या हम देखते हैं टेस्ट टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ़ ड्रग्स ये भी हम करते हैं टू प्रोड्यूस यूज़ फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये भी हम करते हैं ओके okay? लाइक like, हम इंसुलिन ओके इंसुलिन हम बनाते हैं इंसुलिन हमको यहाँ पर डायबिटीज़ पेशेंट्स में लगता है इंसुलिन ओके सो जो ईकोलई e हैं जो कि बैक्टीरिया हैं ओके okay? इस चर्चिया कोलई तो इसमें हम यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं सो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ द एबो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो प्लाज्मल्स आर सूटेबल फॉर वैक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे आर सो मैंने इससे पहले भी दो तीन क्वेश्चन में बोला कि जो प्लाज्मल होते हैं ये यहाँ पर सूटेबल होते हैं इनको हम एज वैक्टर यूज़ करते हैं क्योंकि ये यहाँ पर अपने साथ एक जीन कैरी करते हैं जो कि हमारा डिज़ायर्ड जीन होता है ओके okay? किसके लिए क्लोनिंग के लिए फिर हम इसको किसी सूटेबल ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं सो so जो ये प्लाज्मल होता है इसमें एक खासियत होती है ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है ओके okay? रेप्लिकेशन मतलब जैसे हम डी एन ए की रेप्लीकेशन करते हैं एक कॉपी से दो कॉपी बनाना ओके okay? सो so, यही हुआ कि ये रेप्लिकेशन करता है इसमें यहाँ पर रेप्लिकेशन अपनी यहाँ पर रेप्लीकेशन साइट होती हैं ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन साइट इट इज़ ओ आर आई साइट सो ओ आर आई साइट यहाँ पर ज़रूरत है ओके okay? रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पर औरजन ऑफ़ रेप्लीकेशन जिसको हम ओ आर आई साइट कहते हैं ओके ये बहुत ज़रूरी है इसके बगैर रेप्लीकेशन नहीं होगी डी एन ए रेप्लिकेशन तो इसमें ये रेप्लीकेशन साइट होती है और इसमें यहाँ पर टेंडेंसी होती है ओके सलाहियत होती हैं कि ये डी एन ए रेप्लिकेशन करता है सो so, ये, ये भी मैंने बोला कि इसमें स्मॉल सर्कुलर डी एन ए होता है डबल स्टैंडर्ड डी एन ए मॉलिकल होता है ओके विद यर ओन ऑर्जन ऑफ रेप्लीशन साइट ओ आर आई साइट इनमें प्रेजेंट होती हैं किसमें प्लाजम में सो so, इसको हम एज वक्टर यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन ऑफ डीएनए अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन बैकग्राउंड डीएनए डी एन एट स्पेसिफिक पॉइंट बट डी एन एज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस इन प्योरीफाइड फॉर्म नॉलेज ऑफ ट्रांसडक्शन सो जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुई किसकी मदद से अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसिस हैं ओके जो डीएनए को ब्रेक करते हैं एट एट स्पेसिफिक साइट्स तो इनकी वजह से यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुई नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनट डी एन ए वॉज डन बाई यूजिंग प्लाज्मिड ऑफ जो फर्स्ट हमने रिकॉमिनट डी एन ए बनाया ओके okay, सो so, किसका प्लाज्मिड यूज़ करके तो मैंने बोला ना कि प्लाज्मिड से हम यहाँ पर डीएनए जो डिज़ायर्ड डीएनए होता है उसको हम लाइगेट करते हैं किसी प्लाज्मिड में ओके okay? प्लाज्मिड में तो प्लाज्मिड में यहाँ पर ओ है, अपनी साइट होती हैं रेप्लिकेशन साइट ओके सो यहाँ पर मैंने डिज़ायर्ड डीएनए को लाइगेट किया किसके साथ वक्टर प्लाज्मिड के साथ सो so, ये किसका प्लाज्मिड जो फर्स्ट रिकॉमना डी एन ए मॉलिकल हमने बनाया ओके okay? किसका प्लाज्मिड यूज़ करके सालमोनीला स्टर्चिया इस्टर्चिया कोलाई बे एग्रोबैक्टीरियम सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफीम्योरीम नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो आर एन ए इंटरफेरेंस इज़ फॉर माइक्रो माइक्रोपोगेशन सेल डिफेंस डिफरेंशिएशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन सेल डिफेंस नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो बी कॉटन हैज़ बिन प्रोड्यूसड बाई जो बी कॉटन है ये हमने प्रोड्यूस कैसे किया ओके इंस्टिट्यू हाइब्रजेशन ऑफ बी टी जीन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग ऑफ बी टी जीन क्लोनिंग ऑफ बी टी जीन साउदर्न ब्लॉटिंग ऑफ बी टी जी सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी क्लोनिंग ऑफ बी टी जिन जो क्लोनिंग प्रोसेस होती हैं ओके okay? किस जीन की बी टी जीन से हमने बी टी काटन प्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा क्रोमोजूमल डी एन ए यूजड एज ए वैक्टर इन जीन क्लोनिंग इज ट्रांसपोजान इंट्रॉन एक्जान प्लाजम ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन प्लाजमट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोजूमर डबल स्ट्रेंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग में जीन क्लोनिंग में यहाँ पर हम इसको लाइगेट करते हैं डिजायर्ड जीन डिज़ायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल फिर इसको हम ट्रांसफर करते हैं किसी डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में तो प्लाज्मिड इसका करेक्ट ऑप्शन है तो प्लाज्मिड क्या है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजुमल डीएनए होता है ओके okay? एक्स्ट्रा क्रोमोजुमल डीएनए होता है जिसको हम यूज करते हैं एज वेक्टर फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू आवर टारगेट ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो जेके सी टी टू थाउजेंड बारह में आया है ओके जेके सी टी टू थाउजेंड ट्वेल्व में आया है ओके इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और यूज़ फॉर कटिंग आपको पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं कटिंग फॉर डीएनए कौन सा डीएनए एन एनी डी फ्रैगमेंट ओके कौन कोई सा भी डीएनए फ्रैगमेंट को अगर हमने काटना है तो हम इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से इनको काटते हैं फ्रैगमेंट्स में यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो केमिकल नाइव स्लेश मॉलिकुलर सीजर्स ऑफ डी आर मॉलिकुलर सिजोर्स या केमिकल नाइवस कौन से हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूकलियस हैं सो नाइवस हम यहाँ पर छुरी को कहते हैं या मॉलिकुलर सिजर ओके जो सिजर होती हैं जो यहाँ पर किसके पास होती हैं बार बार के पास जो सीज़र्स होती हैं सो so, जो है है, जो केमिकल सीज़र्स हैं या मोलिकुलर सीजर्स या केमिकल नाइवस हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्यों बोलते हैं क्योंकि डी एन ए को कट करते हैं जैसे सीजर्स अपने आपके बालों को कट करते हैं सीजर्स या नाइफ यहाँ पर किसी चीज़ को कट करती है उसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स डी को कट करती है एट स्पेसिफिक साइट्स नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन इम्प्रूव वेरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस जो इम्प्रूवड वेरायटी किसकी है ट्रांसजेनिक बासमती राइस की ओके सो इट गिवस यील्ड एंड इज़ रिच इन विटामिन ए सो ये याद रखना कि जो जम्प्रूव्ड वैरायटी कौन सी है ट्रांसजेनिक बासमती राइस जो है ये यहाँ पर बहुत अच्छा यील्ड देती हैं और ये रिच होती हैं किसमें विटामिन ए में ये रिच होती हैं ये याद रखना ओके एंड इम्प्रूवड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस होती हैं किसमें रिच होती हैं विटामिन ए में ओके okay? ये याद रखना है विटामिन ए में ये रिच होते हैं, जो ये राइस हैं ओके okay? बासमती राइस इसमें विटामिन ए आपको देखने को मिलेगा और हाई यील्ड इसका होता है जो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो ये बासमती राइस हम बनाते हैं ओके okay? इसमें विटामिन ए होता है नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूसड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज़ ऑब्वियसली इंसुलिन है मैंने पहले भी बोला कि इंसुलिन आपको पता है कि एक हार्मोन है किन पेशेंट्स को यहाँ पर ये, इसकी ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन जो हार्मोन है ओके okay? जो डायबिटीज़ होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को हम फिर इंसुलिन थेरेपी देते हैं जिनको यहाँ पर कुछ यहाँ पर अगर उनमें जो आपको पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है और एक हार्मोन है हम में ग्लाइकोजन ओके okay? ग्लाइकोगान ओके okay? सो so, इंसुलिन क्या करता है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है अगर आप किसी इंसान में कुछ बीमारी होगी ओके okay? कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो अगर उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है जो कि जनरली होता है हेल्थी ह्यूमेज में तो फिर उस इंसान को हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं क्योंकि उसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल वो हाई चले जाते हैं तो हम फिर उसको इंसुलिन थेरेपी देते हैं सो तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमने यहाँ पर कल्चर किया आर्टिफिशियली एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है ईकोलाई जो 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 मैंने पहले भी बोला ओके ईकोलाई सो इसका यही ऑप्शन है इंसुलिन हमने आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली क्या किया कल्चर किया एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है जिसका नाम है ईकोलाई नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरापी वाज़ यूज इन 1992 नाइनटी और अ फोर ईयर ओल्ड गर्ल फॉर सो जो फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन जो जीन थेरापी है ओके फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ये यूज़ की गई थी 1992 में एक चार साल की लड़की पर तो उसको किसकी डिफिशेंसी थी उसको एडनोसिन डाईमाइनिसंसी थी जो कि एक एंजाइम है ओके एडनोसिन डाइमाइनियस की उसकी डिफिशियंसी थी उस लड़की में एडनोसिन डाईमाइनिस की डिफिन्सी थी तो उसमें हमने जीन थेरेपी की 1992 टू में जो कि चार साल की एक लड़की थी नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हो डीएनए और आर एन ए सेगमेंट टेगर विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोबकोलून प्लाज्म सो द कुरेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए डेट इज़ डेट इज़ प्रो ओके सो यहाँ पर डी एन ए आर आन एगमेंट जो हम टेकड विथ ए रेडियो एक्टिव मालिक्यूल ओके okay? डी एन ए आर आर आईन ई सेगमेंट टेकड विध ए रेडियो एक्टिव मालिक्यूल इज़ कॉल्ड प्रो ये याद रखना ओके इज़ कॉल्ड प्रोब ओके डी एन ए आर आन एगमेंट टेकड विध ए रेडियो एक्टिव मालिक्यूल इज़ कॉल्ड प्रो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए एन फ्रेगमेंट्स और ज्वाइनड थ्रू सो so, जब हमने यहाँ पर डीएनए को काट लिया ओके रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस बहुत सारे फ्रेगमेंट्स यहाँ पर हुए तो so, अब अगर हम इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ेंगे तो किस से जोड़ेंगे सो लाइगे से जोड़ेंगे ओके सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने डी को ब्रेक किया और लाइग से क्या किया जोड़ा ओके okay? लाइग से यहाँ पर वापस हमने इनका यहाँ पर जोड़ किया नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो इन बायोकेमिकल प्रोसेस कम्प्लीमेंट्री डी एन ए सी डी एन एज प्रपियर्ड फ्राम एम आर एन ए ये याद रखना ओके एम आर एन ए से हम कम्प्लीमेंट्री डेट इज सी डी एन ए प्रोड्यूस करते हैं ओके सी ए डी एन एज प्रपियर फ्राम एम आर एन ए डेट इज मैसेंजर आर एन एके एम आर एन ए का मतलब मैसेंजर आर एन ए नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो इन जल इलेक्ट्रोफोरस डिफरेंशियल मोबिलिटी ऑफ डी एन ए डिपेंड्स अपॉन तो जल इलेक्ट्रोफोर्स मैंने पहले ही आपको बोला है कि जल इलेक्ट्रो फोर इसमें हम क्या करते हैं जो हमने डी एन पर डी जो ब्रेक किया ओके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो सो तो जी जो डी एन ए के फ्रेगमेंट हैं अब जो इनको हमने यहाँ पर क्या किया कि जल इलेक्ट्रोफोर्स की इसमें क्या किया कि इनको सेपरेट किया ओके फिर हम इनको क्या करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं और फिर एक्सपोजर टू जो वी रेडिएशन फिर हमको यहाँ पर ब्राइट येलो ऑरेंज ब्रैंड दिखते हैं ओके सो तो यहाँ पर जो ये डी फ्रेगमेंट्स होते हैं जल एलेक्ट्रो में सो ये यह यहाँ पर सेपरेट होते हैं इनकी यहाँ पर मूवमेंट होती है मोबिलिटी होती है ओके ये किस पे डिपेंड करती हैं ये डिपेंड करती हैं चार्ज एंड साइज़ ऑफ डीएनए ओके किस पे चार्ज एंड साइज ऑफ़ डीएनए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार्ज एंड साइज़ ऑफ डी एन ए पर ये डिपेंड करता है इनकी जो मूवमेंट होती है जल एलेक्ट्रो में क्योंकि यहाँ पर ये यह भागते हैं ओके दूर दूर होते हैं सो ये मूवमेंट डिपेंड है चार्ज एंड साइज़ ऑफ़ डी एन ए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो जी एम बी टी ब्रिंजल हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया फॉर सो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बी टी ब्रिंजल हैं ओके बी टी ब्रिंजल हैं जो डेवलप किया गया है इंडिया में सो so, ये किसके खिलाफ़ यहाँ पर रेजिस्टेंट हैं ओके okay, रजिस्टेंस दिखाता है एनहानसिंग शेल्फ लाइफ एनहानसिंग मिनरल कॉन्टेंट ड्रॉल रजिस्टेंस इंसेक्ट रजिस्टेंस सो ये इंसेक्ट रजिस्टेंस होता है ओके इसमें इंसेक्ट रजिस्टेंस होती हैं इस जी एम बी टी ब्रिंजल में नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्वेश्चन इस साल भी नीट में आया था और 2018 में जो कि इसके स्टप्स थे जो कि डिनेचुरेशन है अनिलिंग है और एक्सटेंशन ये इसके तीन स्टप्स हैं इस ऑर्डर में होते हैं पहले डिनेचुरेशन होते हैं उसके बाद अनिलीलिंग होती है और लास्ट में एक्सटेंशन होता है सो डी ए इसके यहाँ पर स्टप्स हैं सो इसमें एक एनजाइम इस यूज़ होता है उसको हम टेक पॉलिमरिश कहते हैं ओके टेक पॉलिमरिश कहते हैं ओके सो so, ये यह यहाँ पर थर्मोसिटेबल एंजाइम होता है टेक पॉलिमरिश सो ये एंजाइम याद रखना कि जो पी सी आर में यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो अगर उस एक्सट्रैक्टेड फ्राम सी वीड्स फाइंड इस यूज इन सो so, जो हम अगर उस एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सी वीड्स ये किस में हो यूज़ होता है ये यूज़ होता है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्योंकि हम इसको नाम भी देते हैं अगर उस जल ओके एगर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसको नाम देते हैं सो so, जो अगर उस एक्सट्रैक्ट हम करते हैं सी वीड्स से यह किस में मदद यूज़ होता है जल एलेक्ट्रोफोरस में और हम इसको नाम भी देते हैं एगर उस जल नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज यूज एज ए वैक्टर फॉर क्लोनिंग इन टू हायर ऑर्गेनिज्म सो वैक्टर हमको यहाँ पर ज़रूरत है क्लोनिंग के लिए ओके okay, वैक्टर को हम डिज़ायर्ड जीन लाइगेट करते हैं ओके okay? फिर हम किसी हायर ऑर्गेनिज्म में इनको यहाँ पर डालते हैं सो हायर ऑर्गेनिज्म में कौन सा वैक्टर यूज़ होता है सालमोनिलाल टाइफीम्योरियम राइजोपाथ नाइगरिकस रेट्रोवायरस बेकूला वायरस सो रेट्रोवायरस इसका करेक्ट ऑप्शन था जो मैंने बोला था कि हम ये लिम्फोसाइटिस ओके ह्यूमन लिम्फोसाइटिस में भी हम रेट्रोवायरस यहाँ पर इंसर्ट करते हैं रेट्रोवायरस वेक्टर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज वाइडली इन आर डी टी आर डी टी मतलब रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी और ओपटेनिड फ्राम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जो डी एन ए को ब्रेक करते हैं एट स्पेसिफिक साइट्स वो हम किससे ऑबटेन करते हैं बैक्टीरियल सेल्स से नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हो वट इज़ ट्रू अबाउट डी एन ए पॉलीमरीज यूज इन पी सी आर सो पी सी आर में जो डी एन ए पॉलीमरी यूज़ होता है जिसको हम टेक पॉलीमरेस कहते हैं ओके पी सी आर पॉलीमेर चेज रिएक्शन में जो डी एन ए पॉलीमरस यूज़ होता है जिसको हम टेक पॉलीमरेस कहते हैं जो मैंने अभी बोला था कि थर्मोस्टेबल होता है ये एक्टिव होता है एट हाई टम्पेचर ओके एक्टिव होता है एट हाई टम्पेचर नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो साइलेंसिंग ऑफ़ एम आर एन ए आर एन ए इंटरफेरेंस हेज़ बीन यूज इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंट टू नेमेटोड्स फंजय इंसेक्ट्स वायरसेस सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डेट नेमेटोड्स ओके नेमेटोड्स सो जो हम साइलेंसिंग जो एम आर एन ए इंटरफेरेंस है या आर एन ए इंटरफेरेंस है इसमें जो साइलेंसिंग होती है जो कि यूज़ होते हैं प्लांट रेजिस्टेंस किसके खिलाफ नेमेटोड्स के खिलाफ जो आप में पढ़ते हो आइडेंटिफाई द प्लाज इनमें से आपने प्लाजमल को आइडेंटिफाई करना है ई आर वन पी बी आर थ्री थर्टी टू ए आई यू आई हिंड थ्री सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डेट इज़ पी बी आर थ्री थर्टी टू एक प्लाजमल है